आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। बच्चों के दांत 6 महीने से लेकर 2 साल तक पूरी तरह आ जाते हैं। जब दांत निकलने लगते हैं तो उन्हें लूज मोशन, उल्टी वगैरह होने लगती है। तो आम धारणा ये होती है कि दांत निकलने का मतलब है बच्चों में लूज मोशन होना और उल्टी होना, लेकिन ये दांत निकलने से लूज मोशन नहीं होते हैं। इसका रीज़न होता है हमारे घर में साफ सफाई की कमी होना। जब बच्चे के मुंह में दांत निकलना शुरू होते हैं इस समय उसके मसूड़े फूल जाते हैं और सेंसिटिव हो जाते हैं और उनमें खुजली चलने लगती है। तो बच्चा कोई भी चीज़ उठा के मुँह में लेके चबाना चाहता है, वह अपना हाथ भी खाता रहता है और कोई भी चीज़ हो उसे उठा के खा लेता है। अधिकतर जो चीज़ें नीचे पड़ी है वे गंदी होती है और बैक्टीरिया और वायरस से संक्रमित होती है। उन्हें मुँह में डाल लेने से उसको पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, नतीजा उल्टी लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। कई बच्चों को बहुत ज़्यादा लार आती है जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। तो दांत निकलते समय बच्चे का खास ख्याल रखें और गंदी चीज़ें उससे दूर रखें, उसको अपना हाथ भी मुंह में नहीं लेने दें। कभी कभी दांत निकलने से पहले बच्चे चिड़चिड़ापन, जिद करना शुरू कर देते हैं। दांत निकलने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स बच्चे को फेस करनी पड़ती है। उसके मुख्य लक्षण है जैसे लार टपकना, सोने से में परेशानी होना, लिक्विड फूड नहीं खाना और लूज मोशन, सेंसिटिव स्किन हो जाती है, तेज़ बुखार, सरगर्म रहने लगता है आदि ये समस्याएं आने लगती है। बच्चे को लूज मोशन, उल्टी से बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। अगर आपका बच्चा भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो कुछ बातों का ध्यान रखें। उसे ORS पिलाएं। ORS घोल पैकेट के ऊपर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आप उसे फॉलो करें और वो पिलाएं। 20 से 25 मिनट में इसे पिलाते रहें। इसके अलावा अगर आप ORS का घोल नहीं है तो आप घर पे भी ORS बना सकते हैं। जैसे 8 छोटा चम्मच चीनी लीजिए, 1 छोटा चम्मच नमक, इसको 1 लीटर पानी में घोलें और उबाल लें। उबाल के उसे ठंडा कर दें। ठंडा करके अपने बच्चे को थोड़े थोड़े अंतराल में पिलाते रहें। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो उसे बंद नहीं करें, उसे पिलाते रहें जिससे बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। इसके अलावा आप उसे सूप भी पिला सकते हैं और ठोस आहार अगर खा रहा है तो उसे केला भी दे सकते हैं। इसके अलावा ग्रेप वाटर दांत निकलते वक्त होने वाले दस्त के दौरान जरूर देना चाहिए। ये एक विशेष दवा है, इसका बच्चे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, यह एकदम ऑर्गेनिक होता है। तो इन नुस्खों को आजमाइए और अपने बच्चे को इस प्रॉब्लम से बचाइए। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगे तो फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।